हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तारकाक्ष विष ग्रहण करो। इस शिव पुत्र ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। हर पल, हर समय, हर घड़ी मस्तिष्क पर वही छाया रहता है। मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब वो मुझे देखकर मुस्कुराता है। ऐसा लगता है कि वो मेरा उपहास कर रहा है, उपहास। असुरेश्वर, अभी अभी मैंने राजवैद्य को युवराज के कक्ष की ओर जाते देखा है। क्यों? उनके हाथ में भयंकर विष की कटोरी भी थी। भयभीत होने की बात नहीं है सुरेश्वर। तारकाक्ष की पत्नी बुद्धिमान है, वो जानती है कि तारकाक्ष विष पी भी लेगा तो उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु शिव पुत्र के होंठों से विष छूते ही वो जीवित नहीं बचेगा। तो क्या? तो चलिए गुरुदेव, मैं अपनी आंखों के सामने विष का प्रभाव देखना चाहता हूं। प्रभु, मुझे तो सारी सृष्टि कार्तिकेय की शत्रु बनती दिखाई दे रही है। कृपया आप अपनी इस लीला को समाप्त कीजिए प्रभु। हे देवी, कार्तिकेय के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही हो रहा है। आप चिंतित क्यों होती हैं? आपका पुत्र सुरक्षित है। ये लीजिए स्वामी, ये विष पी लीजिए, इससे शिव पुत्र का नाश हो जाएगा। रुक जाओ पुत्र, ये तुम क्या करने जा रहे हो? असुर शत्रु का नाश राजमाता, अपने पति को विष पिलाकर। परंतु इस विष को पीने से युवराज को कोई हानि नहीं होगी माता। कैसे नहीं होगी हानि? माता श्री, लाओ ये विष की कटोरी मुझे दे दो। पुत्र, आप बिना कारण डर रही हैं राजमाता, तुम चुप करो। मैंने आज तक किसी पत्नी को अपने पति को विष पिलाते नहीं सुना। क्या यही है तुम्हारा प्रेम? यही है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? माता श्री, आप सत्य नहीं जानती इसलिए ये बात। मैं उस सत्य को जानना भी नहीं चाहती जो मेरे पुत्र की मृत्यु बन जाए। लाओ, लाओ ये कटोरी मुझे दे दो पुत्र, मुझे दे दो। माता श्री, रुक जाओ तारा। कटोरी तारकाक्ष को लौटा दो महारानी। परंतु असुरेश्वर, मैंने कहा कटोरी तारकाक्ष के हाथों में दे दो, ये मेरा आदेश है। ये विष है महाराज, यदि तारकाक्ष इसे पिएगा तो उसका दुष्परिणाम। विष की कटोरी तारकाक्ष को दो। हे गंगा मैया, मैं विवश हूँ, अपने पति की अवज्ञा मैं नहीं कर सकती, मैं विवश हूँ। नारायण नारायण नारायण। तारकासुर, पाप पर पाप किए जा रहे हो,
इसका परिणाम जानते हो तुम? मैं तो केवल इतना जानता हूँ ऋषिवर कि मैं अपनी मृत्यु का नाश चाहता हूँ। नारायण नारायण। तारकाक्ष विष ग्रहण करो। विनाश करने जा रहे हो तुम? नारायण नारायण। जो प्रभु रक्षा। तारक, शिव पुत्र से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई हमें। मेरी मृत्यु का विनाश हो गया गुरुदेव, मेरी मृत्यु का विनाश हो गया, अब मैं अमर हो गया हूँ, अमर। प्रणाम भैया। मूर्ख हो गए हो तुम दोनों भार्गव। मृत्यु की भी कभी मृत्यु हुई है क्या? फिर आ गई हमें भ्रमित करने। देख नहीं रहे हो गंगे, शिव पुत्र सदा की नींद सो गया है। देखो तुम्हारी अंतर्दृष्टि को क्या हो गया भार्गव। निश्चय ही तुम्हारा अधोपतन हो रहा है, जो तुम एक बालक पर अपना तपोबल दांव पर लगा रहे हो। मेरी अंतर्दृष्टि पर संदेह करने वाली गंगे, तुम अपनी दृष्टि पर ध्यान दोगी तो तुम्हें पता चलेगा ये काम मेरे तपोबल ने नहीं, इस विष ने किया है। विष ने। विष तो तुम्हारे मन में तब से फैला हुआ है भार्गव, जब से तुम प्रभु और देवताओं के लिए द्वेष पाल रहे हो। यदि घृणा रूपी विष न फैलाते तो असुरों और देवताओं का कब का मिलाप हो चुका होता। जानता हूं, मैं भलीभांति जानता हूं कि तुम ये मिलाप क्यों करवाना चाहती हो। इसलिए ना देवता सदा छल करके अमृत पीते रहे और असुरों को विष पीने को मिले। नहीं गंगे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस मिलाप का सदा के लिए अंत कर दिया है। इस मिलाप का अंत कर दिया है मैंने, शिव पुत्र का अंत करके।
और हाँ गंगे, तुम्हारे इस सत्य को झूठा साबित कर दिखाया है मैंने, हाँ, कि मृत्यु की मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ देखो देखो गंगे, शिव पुत्र मर गया और तारक अमर हो गया। अहंकार ने केवल तुम्हारी आंखों पर ही नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर भी पर्दा डाल दिया है भार्गव, इसीलिए ना तो तुम्हें सत्य दिखाई देता है और ना ही सत्य सुझाई देता है। अच्छा, तो तुम्हारी दृष्टि में सत्य क्या है इस समय बताओ बताओ। भार्गव, कार्तिकेय महादेव शिव शंकर के पुत्र हैं, उन महादेव का जिन्होंने सहज ही हलाहल पी लिया था। कुछ प्रभाव पड़ा हलाहल का उन पर? नहीं ना, तो सामान्य विष का प्रभाव उनके पुत्र पर क्या पड़ेगा? देवर्षि, शिव पुत्र मरा पड़ा है शिव पुत्र। ये केवल तुम्हारा भ्रम है भार्गव। क्यों ऐसी व्यंग भरी हंसी हंसती हो गंगे, ये प्रणाम करने को भी दिल न करे फिर भी प्रणाम। कल्याण मस्तु भार्गव, मैं जानती हूँ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्यों बार बार कार्तिकेय आकर तुम्हें व्यथित कर रहा है, अपनी असफलता पे निराश हो रहे हो ना? असफलता पर निराश वो होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। मुझे असफलता को सफलता में बदलना आता है गंगे। अपने तपोबल के आश्रित होकर कह रहे हो, किंतु तुम्हारा तो बार बार ध्यान टूट रहा है। अब सोचो, यदि शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी अपने मन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा तो साधारण तपस्वी तप कैसे कर सकेंगे? भार्गव, तुम मानो या न मानो, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है। औरों के लिए होती होगी, भार्गव शुक्राचार्य के लिए तो उसका आत्मविश्वास ही सफलता के द्वार खोलता आया है। अपनी क्षमता को पहचानो भार्गव, शिव पुत्र को तारकाक्ष के पेट से बाहर तो निकाल नहीं पाए और चुनौती दे रहे हो प्रभु को, ये जानते हुए भी कि इस सृष्टि में जन्मा हर कोई नश्वर है, तुम तारकासुर की मृत्यु पर विजय पाने के प्रयास कर रहे हो, क्या ये निरर्थक नहीं? वत्स, यदि यही प्रयास प्रभु को पाने के लिए करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हारा उपदेश समाप्त हुआ या नहीं? नहीं, अभी शेष है और वो मैं तुम्हें स्मरण कराना आवश्यक समझती हूँ।
शिव शंकर के द्वारा तुम्हें अपने पेट में धारण करने के उपरांत पार्वती और शिव शंकर दोनों के ही तुम पुत्र बन गए। कार्तिकेय भी शिव पार्वती का पुत्र है, अर्थात तुम्हारा अनुज, तुम्हारा छोटा भाई। गंगे! क्या बड़े भाई को छोटे भाई की हत्या में सहायता करना शोभा देता है? मेरा कोई भाई नहीं है गंगे, मेरा कोई भाई नहीं है। जो असुरों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। कुमार कार्तिकेय का वध होगा, कुमार कार्तिकेय का वध होगा और अवश्य होगा। तारकासुर, मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ तारकासुर। बचाओ, बचाओ! कार्तिकेय मेरा वध कर देगा, वो मेरा वध कर देगा, मुझे मार डालेगा। क्या हुआ महाराज, कोई सपना देखा आपने? शिवपुत्र मेरा वध करने आया था। पिताश्री, शिवपुत्र तो मेरे पेट में है, वो कैसे आ सकता है? तेरे पेट में वो यहाँ त्रिशूल लेकर बैठा था, यहाँ पे। हाँ। तारकाक्ष। कहिए पिताश्री। ये कार्तिकेय मेरा वध कर डालेगा। इसे नष्ट कर दो। देखो वो मुझे निगलना चाहता है। तुम जाओ तारकाक्ष, तुम जाओ मेरे सामने से। मैं अपनी मृत्यु इतने पाप से नहीं देखना चाहता तारकाक्ष। तुम जाओ यहाँ से तारकाक्ष, मेरे सामने बताओ, मैं अपनी मृत्यु।